हेलो बच्चों, तो बच्चों आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हो, मस्त हो। तो देखिए, वो कहते हैं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बों में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बों में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। तो बच्चों, हम लोग सब एक पतंग की तरह हैं। हम लोगों का अभी का जो एज है वो एक पतंग की उम्र का है। अभी हम लोगों को लॉकडाउन में रहकर भी कुछ छोटे छोटे नॉलेज और जानकारियां प्राप्त करनी है, ताकि आगे जाके फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सके। तो बच्चों, हम ये 5-10 मिनट का वीडियो बनाते नहीं है, क्योंकि 5-10 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट होने वाला नहीं है, और ना ही कोई इससे कोई बड़ा बड़ा चीज आप कल को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर है। आप ये कोई भी कोचिंग से कंपेयर कर लीजिए, इंडिया के कोई भी कोचिंग से, तो आपको कमियां नजर नहीं आएगा। तो बच्चों, हम आपको 1000 से भी ज्यादा रिएक्शन और न्यूमेरिकल देंगे। इसको अभी करके आप आगे जाके ब्राइट फ्यूचर में जा सकते हो। और सारे पॉइंट को नोट करें, ताकि कभी भी आप नोट पढ़ के कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा बच्चों, वो क्लास में मैं आपको सॉल्व जरूर करूंगा। आप डाउट कॉपी में लिख के रखें। तो बच्चों, मेरा अगला वीडियो है फिनॉल के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो फिनॉल में ध्यान दें। फिनॉल का डेफिनेशन, फिनॉल एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ सीधे कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। अर्थात इसको कहा जाए तो ऐसा होगा कि बेंजीन का सबसे सरलतम OH व्युत्पन्न ही फिनॉल है। यानी अंग्रेजी में ऐसा होगा कि दी सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। बच्चों, ऊपर में दिया गया है डेफिनेशन क्या होगा? फिनॉल्स आर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग। देखो, ये बेंजीन रिंग है, यानी ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो रहा है फिनॉल का। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये लाइन लिख दें, और हिंदी में जो मैंने बोला उसको लिखने के बाद ये लाइन लिख दें हिंदी में लास्ट में, ठीक है? उसके बाद ये बच्चों क्लासिफिकेशन के रूप में हो रहा है, इसमें इसका अर्थ भी निकल के सामने आएगा। तो बेंजीन में रिंग के साथ हाइड्रोजन टिका हुआ है, इसमें यदि OH को जोड़ा जाए और यहां से यदि H को निकाल लिया जाए, तो बच्चों रिंग में OH आ गया। तो रिंग में यदि एक OH है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। रिंग में यदि दो OH को जोड़ते हैं और दो H को निकाल लेते हैं, तो दो OH धारण करने वाले जो भी कंपाउंड सामने आएगा, यहां लिखो या तो यहां लिखो, उसे हम लोग डाइहाइड्रिक फिनॉल के नाम से जानते हैं। यदि 3 OH को जोड़ा जाए और 3 H को ले लिया जाए, तो बच्चों बेंजीन रिंग में 3-3 जगह में OH आ सकता है, जिसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के नाम से जानते हैं।
तो बच्चों ये फिनॉल का जो कंपाउंड है ये हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, फिनॉल का ये कंपाउंड का यूज पॉलीमर के एरिया में होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री का एक मेन चैप्टर है और पॉलीमर के आने से ही केमिस्ट्री ही नहीं पूरा पूरे वर्ल्ड में मटेरियल का एक डायनेमिक रोल मिला है। पॉलीमर, पॉलीमर का एग्जांपल के रूप में देखो बेकलाइट, बेकलाइट तो एक तरह का पॉलीमर है जो बना है फिनॉल से। दूसरा है यूज ड्रग्स, ड्रग्स यानी क्या, जैसे एग्जांपल एस्प्रिन, एस्प्रिन बच्चों एस्प्रिन एक मेडिसिन है जिसका खोज किससे हुआ है, फिनॉल से हुआ है। पॉइंट थ्री डाई, डाई डाई भी क्या, रंग, रंग करने वाले मेटेरियल। एग्जांपल देखो बच्चों, फोर हाइड्रोक्सी, फोर हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जिसके बारे में आप पढ़ोगे, ये फिनॉल से बना है जो डाई का एक एजेंट है। नंबर फोर सॉल्वेंट, एज द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने में या तो रबर, रबर जैसे कंपाउंड को डिजोल्व करने में सॉल्वेंट के फेज में फिनॉल का यूज करते हैं बच्चों। नंबर फाइव होगा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के फेज में भी फिनॉल का यूज है, जैसे बच्चों सॉफ या फिर डिटॉल। नंबर सिक्स में बोल सकते हैं हम लोग इंक, जो हम लिख रहे हैं बच्चों ये इंक, इंक में भी फिनॉल के कंपाउंड काम करता है बच्चों। इस तरह से पॉलीमर हो ड्रग्स हो या फिर डाई हो या फिर सॉल्वेंट की फेज में एंटीसेप्टिक या फिर क्या है बच्चों इंक, ये सारे बनाने में फिनॉल का होना काफी ज्यादा यूज है। अब बच्चों हम लोग आएंगे यहां पे क्लासिफिकेशन का पूरा पूरी एक्सप्लेन में आएंगे। फिनॉल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी फिनॉल का प्रकार। पॉइंट ए मोनोहाइड्रिक फिनॉल। देखो यदि रिंग में वन ओएच है तो डेफिनेटली इसको बच्चों हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं और इसका एक नेम है वो है बेंजीन और लास्ट में ओएच के लिए यहां पे ओएल लिख देंगे तो ये फिनॉल हो गया। अब देखो रिंग में ओएच है और यदि इधर सी एच थ्री है तो ये ब्रांच भाग एल्काइल हो गया, यानी ये वन नंबर ही क्या है, टू नंबर। तो टू में सी एच थ्री है तो टू मिथाइल और रिंग का नाम क्या बच्चों, रिंग का नाम है फिनॉल। इस तरह से रिंग में ओएच है और यदि ये सी एच थ्री तो बच्चों यहां पर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन टू थ्री, नंबर यहां से हो रही है वन टू थ्री, थ्री में सी एच थ्री है तो क्या बोलेंगे, थ्री मिथाइल और रिंग में ओएच का नाम क्या है, फिनॉल। अब देखो रिंग है और बच्चों रिंग में ओएच और सी एच थ्री यहां पर है तो ये नंबर वन टू थ्री फोर तो क्या बोलेंगे, फोर मिथाइल और रिंग में ओएच का नाम क्या हो गया बच्चों, फिनॉल। और एक बात यहां पर इंटरेस्ट बात है कि देखो नेमिंग का रूल में ऐसा होता है कि कभी बेंजीन रिंग में यदि वन टू दिख जाए तो उसको शॉर्ट के फॉर्म में आप ऑर्थो यानी ओ का यूज कर सकते हो, यदि रिंग के फेज में वन थ्री दिख जाए तो एम का यूज करोगे, एम फॉर मेटा, वन फोर में आ जाए तो पैरा, क्लास में बोला गया है ओ एम पी, ऑर्थो मेटा एंड
पैरा, ठीक है। तो ये वन टू देखो, देखो बच्चों वन तो है ही, वन टू के फेज में है, तो इसलिए यहाँ पे टू के जगह में आप ओ का भी यूज कर सकते हो, या फिर थ्री के जगह में एम एम का यूज कर सकते हो, और फोर नंबर के जगह में आप यहाँ पर पी का यूज कर सकते हो, पी पैरा एम मेटा और ओ क्या है ऑर्थो। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट स्ट्रक्चर एंड आईपैक नेम ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो बच्चों ये तीनों एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहा गया है राइट स्ट्रक्चर एंड आईपैक नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो इन तीनों कंपाउंड देख लो, इन तीनों कंपाउंड में C7 है, H8 है और बच्चों 1O है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर और तीनों का आईपैक नेम आपको आपको देना होगा। सब क्वार्टर में C है, 6C हुआ, 7C हुआ, 7C हो गया, बट देखो H तो यहाँ पे नहीं है बच्चों। इस रिंग का मतलब है ऐसा बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा हो गया है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा हो गया है, यहाँ पे H नहीं है, H तो यहाँ पे है, एच देखो बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर H है, H है, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 कितना हो गया 8 और 1 ऑक्सीजन एटम टिका हुआ है। तो C7H8O से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 3 स्ट्रक्चर होगा, ये 1, 2, 3 आंसर होगा। तो एक और भी एग्जांपल है, देखो ये रिंग है और रिंग में OH है, और यदि बच्चों यहां पे Cl है तो आप क्या बोलोगे इसको, 1, 2, 2 क्लोरो फिनॉल। हालांकि देखो रिंग में फिनॉल यानी OH है और एल्काइल साइड में है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रिंग है और रिंग में OH है और यदि यहां पर बच्चों NO2 आ गया तो 1, 2, 3 में NO2 है, NO2 का नाम नाइट्रो और रिंग में OH का नाम क्या होगा फिनॉल। ये रिंग है और रिंग में OH है और यहां पर बच्चों NH2 आ गया है, क्या आ गया बच्चों NH2 यहां पे अभी आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 4 में NH2 है, क्या नाम बोलेंगे हम लोग इसको, 4-amino, इसका नाम एमिनो, 4-amino। और रिंग में OH का नाम क्या होगा बच्चों, रिंग में OH का नाम है फिनॉल। अगला है रिंग में OH और इस जगह में OCS3 है, तो बच्चों OCS3 कौन सा ग्रुप है, इथर, इसका नाम क्या है मिथॉक्सी। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 में OCS3 है तो क्या होगा 3-3-methoxy, और रिंग में OH का नाम क्या होगा, रिंग में OH का नाम होगा फिनॉल। ये सारे मोनोहाइड्रिक फिनॉल है क्योंकि रिंग में एक OH है। तो और ही कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसा होगा कि एक रिंग है, नीचे करते हैं, ये रिंग है और रिंग में OH है, OH के साथ साथ यहां कोई दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है बच्चों, देखो जैसे CHO, जैसे COOH, जैसे COCH3। अब ये मुश्किल वाली बात है कि OH भी एक ग्रुप है और ये सारे भी एक ग्रुप है, तो इसका नेमी हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखो जब
रिंग में एल्डिहाइड है तो नेम बेंजाल्डिहाइड, रिंग में कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, रिंग में COCH3 नेम एसिटोफिनोन। तो जैसे बच्चों ये रिंग है, रिंग में OH है, रिंग में एल्डिहाइड भी है, तो जब रिंग के साथ दो दो ग्रुप अटैच हो तो याद रखिए बच्चों ये OH ग्रुप जो है इसको जगह बाद में दिया गया है, पहले जगह दिया गया है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक या फिर कीटोन जैसे ग्रुप को, इन्हें OH को लोअर में रखा गया है। तो इसलिए यहां से गिनना है वन नंबर ये टू नंबर, बच्चों ये वन नंबर ये टू नंबर ये क्या थ्री नंबर, ये वन नंबर ये टू नंबर ये थ्री नंबर ये क्या है फोर नंबर। तो टू में OH है तो टू हाइड्रोक्सी, और रिंग में एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, रिंग में एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, तो रिंग में एल्डिहाइड का नाम होता है बेंजाल्डिहाइड। वन टू थ्री, थ्री में OH है तो थ्री हाइड्रोक्सी, और रिंग में कार्बोक्सिलिक का नाम क्या होगा बेंजोइक एसिड। रिंग में OH है और वो कहां पे है फोर में है तो फोर हाइड्रोक्सी, और रिंग में COCH3 का नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। तो इस तरह से हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल के कंपाउंड को स्टडी कर लेंगे जो चैप्टर में बहुत ही काम देगा। नंबर बी है डाइहाइड्रिक, लिखते जाना है सबको, नोट करना बहुत जरूरी है। रिंग में OH का नंबर बच्चों यदि टू हो जाए तो ये है डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो रिंग में टू OH है तो नाम कैसे होगा बच्चों, वन टू थ्री, ये वन टू थ्री, वन थ्री में OH है तो रिंग का नाम होगा बेंजीन, और वन में और थ्री में OH है तो वन थ्री डाइओएल, वन और थ्री में OH है तो वन थ्री डाइओएल। इसी तरह से कंपाउंड सी नंबर का टाइप है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, इसमें एक रिंग के साथ तीन तीन OH अटैच होगा डायरेक्टली, तो हम लोग उसे क्या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। नेम कैसे होगा तो बच्चों बेंजीन पर लिख देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबरिंग करेंगे, वन में थ्री में और फाइव में OH है तो ट्राई OH लिख देंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, बच्चों हर एक चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है, उसी प्रकार से जब बेंजीन रिंग के साथ कहीं भी देखे OH आ गया तो वो फिनॉल नहीं होता है। तो एक बात नोट करें कि रिंग में यदि CH2 के साथ यदि OH आ गया तो बच्चों ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है। जब बेंजीन रिंग में कार्बन के साथ डायरेक्टली OH आएगा तो वह है फिनॉल। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग पढ़े हुआ भी बेंजाइल अल्कोहल। तो सो बच्चों ये क्या है अल्कोहल ग्रुप में जाएगा। तो रिंग में सी है, सी में OH आए तो वो क्या है अल्कोहल है, बट रिंग में डायरेक्टली भी OH है तो बच्चों वो क्या है तो वो फिनॉल है। फिनॉल बहुत ही उपयोगी है, फिनॉल के कंपाउंड्स को बनाने के लिए कुछ मेथड है। तो फिनॉल बनने का पहला पॉइंट बाय हेलोएरीन, एग्जांपल लिए बच्चों क्लोरो बेंजीन का, इससे फिनॉल लाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। डाउ गुरुजी है हम लोग के, उन्होंने क्लोरो बेंजीन से फिनॉल को लाया था। तो रिंग में OH
फिनॉल है, यहाँ पे सीएल लेंगे, क्लोरोबेंजीन से लाना है, क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, नाम है क्लोरोबेंजीन, जिसमें एक्वा यानी जलीय NaOH को देना है, और यहां पर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा बच्चों, और ये HCl को लेकर HCl रिलीज, और रिंग में क्या आएगा, तो रिंग में ONa आ जाएगा, Na प्लस चार्ज, O माइनस चार्ज, रिंग में ONa का नाम क्या है, रिंग में ONa का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें डाइल्यूट HCl को देंगे तो बच्चों क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस चार्ज को लेकर NaCl रिलीज होगा, और ये माइनस चार्ज प्लस जैसी स्पीसी को लेकर रिंग में OH जैसे कंपाउंड बन जाएगा, रिंग में O तो आगे से है और ये O H को ले लिया तो रिंग में OH, इसका नाम क्या है बच्चों, फिनॉल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, या फिर फिरिंदी ब्लैंक में आ चुका है। नंबर टू है बाय बेंजीन, या तो आ सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों बेंजीन रिंग में कार्बन है, सिक्स कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन कंपाउंड बेंजीन। बेंजीन में यदि कॉन्क H2SO4 हीट के फेज में दिया जाए तो ये कॉन्क H2SO4 हीट मिलने से OH माइनस आयन और HSO3 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, ये क्या है प्लस, तो H प्लस OH माइनस, यहां से H2 को रिलीज होगा और ये माइनस चार्ज जो है ये प्लस चार्ज को ले लेगा तो क्या बनाएगा, रिंग में SO3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें यदि NaOH को दिया जाए तो बच्चों ये एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है, बेस है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, तो ये H छोड़ेगा, ये OH छोड़ेगा, तो यहां से जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल लॉस होगा, यहां पे SO3 है और ये Na यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये चीज को हमने लॉस किया हूं, यहां से ये चीज को लॉस किया OH H को लेके H2O ये बन गया। अब जैसे ही इसमें अगेन NaOH को अप्लाई करूंगा, यहां भी एक रिएक्शन होगा, यहां जो रिएक्शन होगा वो क्या बनाएगा, तो यहां पर इस तरह का बॉन्ड जो है वो बच्चों ब्रेक कर जाएगा, देखो ये होगा ब्रेक बॉन्ड, तो क्या रिलीज होगा, तो रिलीज जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो रिलीज मॉलिक्यूल ये है NaHSO3 NaHSO3, और रिंग में क्या आएगा, रिंग में ONa आएगा, रिंग में ONa। तो अब बच्चों रिंग में जो ONa है, रिंग में ONa देखो, रिंग में ONa, ये ONa, ये ONa रिंग पे आ जाएगा, तो नाम क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हम लोग डाइल्यूट HCl का अप्लाई करके इसको हम लोग जोड़ लेंगे, रिंग में ONa है, डाइल्यूट HCl देके हम लोग फिनॉल को बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन का या फिर सल्फोनिक एसिड का और यहाँ पे कॉन्क NaOH का यूज करके फिनॉल को बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बाय एनिलीन, एमीन का एक कंपाउंड है
और इसी में बीच में बनने वाला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग लिखे। अब इस कंपाउंड में नाइट्रस एसिड और डाइल्यूट HCl को अप्लाई कर बच्चों, पहले रिंग में N2Cl आएगा जो ये नाम पड़ेगा, उसके बाद वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो रिंग में NH2 एनिलीन, ये है एनिलीन, इसमें HNO2 को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं बहुत ही कम हीट पर। तो ये रिंग में N है जो नाइट्रस के N को लेकर N2 बनाएगा, तो N में एक बॉन्ड आने से N2 में प्लस चार्ज ये अनस्टेबल हो गया, Cl जैसे माइनस चार्ज को ये खींच लिया तो ये सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे 2H है, 2, 1, 3 और इधर 1 है, 4H2O क्या रिलीज होगा, 2H2 रिलीज हो गया। यही है BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों यहां पर इसको अप्लाई करेंगे, इसके जगह में हम लोग NaNO2 को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप NaNO2 को यूज करोगे और HCl मिलाओगे तो ये NaCl को लेकर NaCl रिलीज हो जाएगा और ये H यहाँ पर आ जाएगा, तो बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा और फिर यही वाला बन जाएगा जो ये रिंग में अटैक करने वाला है और फिर BDC में कन्वर्ट होगा। BDC बनने के बाद जब इसमें H2O देकर इसको बॉइल किया जाए, कुछ देर तक उबाला जाए, तो कुछ देर तक उबालने से ही क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो H+ और OH- जैसे आयन बनाएगा, तो ये H+ Cl- जैसे आयन को लेकर HCl रिलीज हो गया, HCl रिलीज यहां पे लिखो या उधर लिखो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे Cl यहां से हट गया N2 अनस्टेबल हो गया और यहां से N2 भी धीरे धीरे रिलीज हो गया, तो रिंग में क्या आएगा बच्चों, रिंग में H2O का OH आ गया जिससे फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है एनिलीन, ये है BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फाइनल कंपाउंड इज फिनॉल। यदि कहा जाए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक फिनॉल किससे बनता है तो वह है आपका अगला पॉइंट 4। कंपाउंड का नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन क्या है। तो पॉइंट 4 बाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम लोग कॉमर्शियल नेम क्यूमिन से भी जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, एक रिंग है और ये बेंजीन है, बेंजीन में सी है, सी में 3 साइड में मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है कि यदि प्रोपीन को बेंजीन के साथ फॉस्फरस एसिड में हीट किया जाए तो ये कंपाउंड आ जाएगा, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर कमर्शियल नेम क्यूमिन। तो इस कंपाउंड से सबसे अधिक वर्ल्ड में फिनॉल बनता है। तो इस कंपाउंड को O2 के साथ यदि एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब वो को ऐड करते हैं, तो बच्चों इस कार्बन के 3 साइड में हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट है, प्लस I का इफेक्ट है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस CH के बीच पोलरिटी आ जाता है, जिससे ये रिंग के CH बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और जो ऑक्सीजन एटम को इस तरह से बाइंडिंग फोर्स के फॉर्म में बंधे रहता है, इधर CH3 है और इधर भी CH3 है। जब इस कंपाउंड में एसिड अप्लाई किया जाए, एग्जांपल CONG-H2SO4 अप्लाई किया जाए, तो बच्चों ये मेन पॉइंट है, सबको ध्यान दे इसको, ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग होगा O- और ये क्या होगा प्लस। अब ये जैसे ही प्लस होगा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग के भाग में ज्यादा हाइड्रोकार्बन है वहां से उसको ज्यादा
इलेक्ट्रॉन मिलने वाला रहेगा तो वो वहां से खींचना पसंद करेगा। तो जैसे ही यहां से खींचेगा तो ये माइनस चार्ज क्या है, प्लस चार्ज। माइनस प्लस में क्या बनता है बच्चों, बॉन्ड बनता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सी एच थ्री सी है और ऊपर में क्या है बच्चों, सी एच थ्री है। माइनस प्लस से क्या आएगा, एक नया बॉन्ड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। अब बच्चों जैसे ही ये रिंग इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिंग क्या होगा, रिंग होगा प्लस चार्ज। तो ये बच्चों माइनस ओएच और ये क्या है, रिंग प्लस। तो ये माइनस चार्ज कहां जाना पसंद करेगा, रिंग के पास। तो रिंग के पास यदि ओएच जाएगा तो बच्चों क्या कंपाउंड बना डालेगा, तो फिनॉल। तो बच्चों इस बात को याद रखें, सबसे पहले मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक किया था, ओएच माइनस ओ क्या है प्लस, प्लस की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, माइनस प्लस से बॉन्ड बन के ये पार्ट प्रॉपरली अलग, ये यहां से कट गया है, ये पूरा अलग हो गया, ये कंपाउंड आ गया। और ये रिंग का जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ओएच माइनस आयन को खींच लेगा और रिंग में ओएच को शामिल करने से फिनॉल के कंपाउंड आ जाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन का तो इंपॉर्टेंट बात है, पहला तो ये वर्ल्ड में सबसे अधिक यूज होगा फिनॉल के लिए, फिनॉल तो आ जाएगा। और दूसरा बच्चों इसका यूज है कि इससे एक और एक कंपाउंड बनेगा, वो क्या है, वो है सिटोन। यानी कीटोन के कंपाउंड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस क्यूमिन जैसे कंपाउंड से आ सकता है। तो ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन के कंपाउंड से फिनॉल का प्रिपरेशन। अब देखो, अब इससे जो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज में, वो आपके सामने आ रहा होगा। अल्कोहल के प्रिपरेशन से एनसीईआरटी क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि क्यूमिन से फिनॉल का निर्माण के लिए रिएक्शन एंड इक्वेशन देना है। तो क्यूमिन अभी पढ़े अभी आप, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कमर्शियल नेम है क्यूमिन, और क्यूमिन का रिएक्शन यहां पे लिखना है आपको। यहां पे कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ यहां पे रिएक्शन आपको शो करना है, जो मैं आपको लास्ट पॉइंट नंबर 4 में कहा। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का ये कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण के लिए भी केमिकल रिएक्शन आपको देना है। तो क्लोरोबेंजीन जो सिखाया ये किसमें है, तो ये बच्चों पॉइंट नंबर 1 में है, पढ़ाया मैं, वो है डाउस प्रोसेस, डाउ का क्रिया से ये आपको क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करेगा किसमें, फिनॉल में। अब क्वेश्चन नंबर 12 यू आर गिवन बेंजीन, मतलब आपको बेंजीन कॉन्ग H2SO4 और क्या है NaOH दिया गया है। अब इक्वेशन लिख के दिखाना है कि इससे इस रिएजेंट का यूज करके आप फिनॉल कैसे लाओगे। तो बच्चों ये मैं अभी कहा पॉइंट नंबर टू में बेंजीन में सबसे पहले कॉन्ग H2SO4 को अप्लाई करना है, रिंग में SO3H आएगा और जैसे आप धीरे धीरे NaOH को अप्लाई करोगे, रिएक्शन होते होते रिंग में ONa आएगा और जब डायलूट HCl दे दोगे तो वह कंपाउंड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे चीज बनाए आप याद करके कॉपी में लिखें। अगला पॉइंट जो होगा वह है फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिनॉल का भौतिक गुण के बारे में।